फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे अमेजिंग टिप्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप लोग एक नए यूट्यूब क्रिएटर हैं तो, यानी कि आप लोग जो है एक नए यूट्यूबर हैं, अभी अभी यूट्यूब पर आए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पुरानी यूट्यूबर हूँ और मुझे बहुत सारा ज्ञान है तो मैं आपके साथ बांट रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद भी एक नई क्रिएटर हूँ। मेरा 8 जनवरी 2020 का चैनल है, आप जाके देख सकते हैं मेरी पहली वीडियो की डेट। तब से लेकर अब तक जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जानी है, समझी है, उसी के आधार पर जो है मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये चीज़ मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। तो एक एक करके उन टिप्स को जान लेते हैं। देखिए, मेरी पहली टिप्स रहेगी नए यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए कि आप लोग जब भी शुरुआत में यूट्यूब पर आते हैं तो सभी ये सोचते हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके हमारे 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाए। बस उनको यही चाहिए होता है शुरुआत में। 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए वो किसी ना किसी को जो है अपनी वीडियो का लिंक शेयर करते रहते हैं, जैसे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और बाकी सारे लोगों को, सब फॉर सब वगैरह जो गलत चीज़ें हैं वो भी करने लगते हैं, है ना। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है शुरुआत में। शुरुआत के जो 1000 सब्सक्राइबर आपके होते हैं वो आपको अपनी मेहनत के लेने हैं, यानी कि अपने काम के लेने हैं, जो आप लोग लगातार वीडियोस बनाएंगे उसके बाद धीरे धीरे करके आपके वो 1000 सब्सक्राइबर खुद ब खुद आ जाएंगे। तो आपको ये गलत चीज़ें नहीं अपनानी है, क्योंकि आपके जो 1000 सब्सक्राइबर अगर एक्टिव आते हैं, यानी कि आपकी मेहनत किए हुए सब्सक्राइबर आपके चैनल पर आते हैं, तो यहाँ से ही आपके चैनल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है कि आपको शुरुआत में पता चल जाता है कि मेरा चैनल कितना ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप इधर उधर से सब्सक्राइबर ले लेते हैं, सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर वो लोग आपकी वीडियोज़ को नहीं देखते तो उन सब्सक्राइबर का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आराम से काम करते रहे, बौखलाए नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए। धीरे धीरे काम के साथ साथ आपके जो है 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्टिव सब्सक्राइबर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेरी पहली टिप थी। दूसरी चीज़ है कि आप जब भी यूट्यूब पर नए नए आए हैं, नए क्रिएटर हैं, तो आप हमेशा अपने जो सब्सक्राइबर हैं वो हाइड कर दीजिए। देखिए, हाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शुरुआत में सब्सक्राइबर। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए हाइड नहीं किया अपने सब्सक्राइबर, कोई भी आके आपकी वीडियो को देखता है, वीडियो देखने के बाद वो आपके सब्सक्राइबर देखता है, वो देखेगा कि इसके सब्सक्राइबर तो बहुत कम है, यानी कि इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। भले ही आपने कितना भी अच्छा समझाया हो, लेकिन व्यक्ति यही समझता है कि इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, यानी कि कुछ भी इसको नॉलेज नहीं है, तो वो भी आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा। इसी तरीके से आपका जो है, जब बाद में नंबर्स बढ़ जाते हैं उसके बाद अपने सब्सक्राइबर आप लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं, मगर शुरुआत में इसको हाइड कर देना बहुत अच्छी चीज़ रहती है। तीसरी चीज़ है कि कभी भी शॉर्टकट के लिए मत भागिए कि भाई मेरा चैनल का कोई प्रमोशन कर दे, या फिर आप दूसरों से बोलते हैं कि मेरे चैनल को प्रमोट कर दो, या फिर आप जो है सब फॉर सब करते हैं या अपने रिश्तेदारों वगैरह को लिंक भेजते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी कि एक्टिव सब्सक्राइबर लेने हैं, वो पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि शॉर्टकट नहीं करना है, अपनी मेहनत से आपको आगे जाना है। कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, शॉर्टकट आपको कभी भी सक्सेस नहीं दिला सकता है। तो सक्सेस चाहिए तो अपनी मेहनत, हार्डवर्क, लगन सब कुछ दीजिए, लेकिन आपको शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना है, ठीक है। चौथी टिप जो मेरी रहेगी नए क्रिएटर्स के लिए वो ये रहेगी कि जब भी आप यूट्यूब पर आते हैं तो अपनी कैटेगरी डिसाइड करके आइए। आप शुरुआत में ही आकर देख लीजिए कि मेरे को यूट्यूब पर क्या करना है। अगर आप लोग क्लियर नहीं है कि मुझे यूट्यूब पर क्या करना है, मान लीजिए आपके दिमाग में 3-4 चीज़ें चल रही हैं कि भाई ये करूं, आपको मान लीजिए कॉमेडी का चैनल कब बनाने का मन है, फिर आपको टेक बनाने का भी मन है, आपको एजुकेशन का चैनल बनाने का भी मन है, सारी चीज़ें आपको मन है, तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपने जो है नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तभी आप लोग उस पर जो है एक मतलब कुछ वीडियोज़ इन सभी कैटेगरीज की डाल दीजिए। और जिस भी कैटेगरी की वीडियोज़ पे आपको सबसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों की तरफ से, जिस पे भी आपके सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ से आपको जो है लाइक्स डिसलाइक सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, उसी कैटेगरी को आप लोग वहीं से चुन लीजिए कि अब ये कैटेगरी मैं लेकर इसी पे आगे तक काम करूँगा। शुरुआत में ऐसा रहता है कि लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती है, या फिर जो हम लोग सोच के आए होते हैं उसमें हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, तो ज़रूरत पड़ती है कि अपनी दिशा हम लोग थोड़ी सी बदल लें, है ना। तो अगर शुरुआत में आप ये लोग करेंगे ये चीज़ें कि भाई आप नीच डिसाइड कर लें अपनी, तो ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो कुछ कैटेगरी ट्राई कर सकते हैं और सारी कैटेगरीज में से आप एक को चुन सकते हैं जिसमें आप लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं ये कहूँगी कि आप अपने इंटरेस्ट पे ना जाएं। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे अपने इंटरेस्ट का काम करें, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी इंटरेस्ट के पीछे ना जाएं, आप वो करें जो कि लोग आपसे देखना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट के पीछे भागेंगे तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट कुछ ऐसा हो जिसके बारे में लोग को देखना पसंद नहीं है, तो आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आएंगे, चैनल ग्रो नहीं करेगा। लेकिन वही अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें लोग आपको देखना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो होगा। अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लग जाएगी और नेगेटिव कमेंट कर देंगे, तो दैट इज़ ओके, लेकिन मैंने आपको सच्चाई बताई
दिक्कत आई है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वही चीजें चलती है जो लोगों को देखनी है, वो बिल्कुल भी नहीं चलता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये एक कड़वी सच्चाई भी इसको हम लोग कह सकते हैं। मेरी पांचवी टिप जो आप लोगों के लिए रहेगी वो ये रहेगी कि आप लोग जो है आप ऐसा करें कि आप शुरुआत में जब भी अपना चैनल बना रहे हैं उससे पहले ही आप कुछ टॉपिक डिसाइड करके चलिए कि मैं इन इन टॉपिक्स को लेकर अपने चैनल पर वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है ना। और उन्हीं वीडियोस को जो आपने टॉपिक डिसाइड कर लिए हैं उनको आप लोग पहले ही अपने फ़ोन में या जहाँ पे भी आप शूट करना चाहते हैं वहाँ पे शूट करके रख लीजिए। कहने का मतलब है कि बल्क में आपको वीडियोस को शूट करके रखना है और उसके बाद जैसे जैसे आपके दिन आते हैं उनको एक एक करके अपलोड करते रहना है, क्योंकि शुरुआत में लोग कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि एक वीडियो डालते हैं फिर एक महीने के लिए गायब हो जाते हैं, फिर आके एक साथ 30 वीडियो डाल देते हैं फिर गायब हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं करता है। तो अगर आप लोग पहले से ही वीडियोज़ बना के रख लेंगे और उसको एक एक करके पोस्ट करते रहेंगे तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। और मेरा विचार है कि आप दिन की एक वीडियो जरूर अपलोड करें, दिन की दो भी वीडियो आप मत अपलोड करें, दिन की एक ही वीडियो अपलोड करके आपको चलता रहना है आपके चैनल पे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शुरुआत में ही आप जो है ये चीज करके रखिए कि बल्क में वीडियोस को शूट करके रख लीजिए। उसके बाद है कि आप अपना जो है टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको किस दिन कितने बजे अपनी वीडियोस को शूट करना है। भले ही आप नए यूट्यूबर हैं लेकिन मतलब शूट नहीं करना है, कितने बजे किस दिन आपको अपनी वीडियोस को शूट पोस्ट करना है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए आप मंडे को डेली 2 बजे वीडियो अपनी पोस्ट करते हैं तो वही चीज़ आपको रेगुलर रखनी है कि हर मंडे को आप 2 बजे अपनी वीडियो शूट करके पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर हफ्ते में एक दिन देना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, डेली की एक वीडियो बनाना चाहे वो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन देखिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि हफ्ते में एक वीडियो लेकर आ रहे हैं या महीने में एक वीडियो लेकर आ रहे हैं तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बहुत ज़्यादा मस्त होनी चाहिए कि भाई आपने जितने दिन तक वीडियो नहीं डाली है उस सभी का जो है एक वो हो जाए कि भाई कोई नहीं, है ना। क्योंकि कुछ लोग जो बहुत दिनों बाद अपनी वीडियोस लेकर आते हैं वो बहुत अमेजिंग कंटेंट के साथ आते हैं। जैसे अगर हम कैरी मिनाटी की बात करें तो बहुत बहुत टाइम बाद उनकी वीडियोस आती है, लेकिन जो भी वीडियोस आती है वो फिर ऐसी होती है कि भाई दुनिया हिल जाती है कि हाँ ये कोई वीडियो थी, है ना। तो ऐसा अमेजिंग कॉन्टेंट लाने की कोशिश करिए। उसके बाद है कि कभी भी शुरुआत में मिसलीडिंग के करके आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। बहुत सारे नए क्रिएटर्स ये गलती करते हैं, नए होते हैं ज़्यादा उनको पता नहीं रहता है, टाइटल में कुछ और लिख देते हैं, थंबनेल पे कुछ और लिख देते हैं, वीडियो खोल के देखते हैं तो वीडियो में कुछ और होता है। ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि देखिए शुरुआत में आपको अपने जो लोग हैं जो ऑडियंस है उनका विश्वास जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप उनका विश्वास नहीं जीतेंगे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप ऐसे ही हरकतें करते रहेंगे कि लोगों को मिसलीड करते रहेंगे अपने टाइटल और अपने थंबनेल वगैरह से तो लोग आपकी वीडियोस को कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे ये तो पागल है, ये तो झूठा है, है ना, हमेशा जो है गलत थंबनेल और टाइटल बनाता है, तो इसलिए कोई आपकी वीडियो को नहीं देखेगा। तो लोगों का विश्वास जीतना ज़रूरी है और विश्वास जीतने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कभी भी किसी को मिसलीड ना करें। क्लिकबेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन मिसलीड कभी भी नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है कि कंसिस्टेंसी आपको बरकरार रखनी है, वो तो मैंने टाइम टेबल में भी बता दिया था कि हमेशा कंसिस्टेंसी बना के चलिए। कभी भी ये नहीं कि भाई कभी भी आके मन किया तो 4 वीडियो डाल दी फिर 4 महीने गायब हो गए उसके बाद आके 7 वीडियो डाल दी, ऐसा नहीं है। आप हफ्ते की एक वीडियो डाल रहे हैं तो उसी के साथ कंटिन्यू रहिए, महीने की एक वीडियो डाल रहे हैं उसके साथ कंटिन्यू रहिए, डेली की एक वीडियो डाल रहे हैं उसके साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक है। तो ये आपको चुनना है कि आप किस तरीके से जो है अपनी वीडियोज़ को वो करेंगे। देखिए शुरुआत में आपको जो है एक ही अलग टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आपको नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगते हैं थोड़ा सा जब आपका चैनल ग्रो होता है तो लोग जो नए क्रिएटर होते हैं बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं कि हमारा जो है नेगेटिव कमेंट आ रहा है। मैं भी लेती थी, बहुत ज़्यादा मेरे को बुरा लगता था, थोड़ा मतलब जो कुछ ज़्यादा ही बैड कमेंट्स होते थे उसको देख के तो मेरे को रोना आ जाता था, कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। मगर आपको ऐसे कमेंट आएंगे ही, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि मुझे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ही, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है यूट्यूब पर जिसको नेगेटिव कमेंट नहीं आते हैं। आप कितना भी अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे दे दो लेकिन नेगेटिव कमेंट्स आपको मिलेंगे ही, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे। प्रिपेयर रहने का मतलब ये नहीं है कि वे नेगेटिव कमेंट्स आए आप जाके उनसे लड़ाई करने लगे, बिल्कुल भी नहीं। इससे आपके चैनल का इंप्रेशन शुरुआत में ही खराब हो जाता है, तो लड़ाई नहीं करें। अगर आप चाहते हैं तो उनको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे मैं बिल्कुल इग्नोर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई भाड़ में जाओ, जो लिखना है लिखो, मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं कहती उन लोगों को, है ना, वरना मेरा खुद इंप्रेशन आप लोगों पर खराब हो जाएगा कि भाई ये तो पागल है, ये तो लड़ती रहती है ना। तो इसलिए लड़ना कभी भी नहीं है। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद आपको यही करना है कि आपको कभी भी अपने चैनल पे सारी चीजें नहीं करनी है। बहुत सारे क्रिएटर्स जैसे कि मैंने भी किया था, अपने चैनल पे आके मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया था। कभी मैं पढ़ाने लग जाती थी, फिर कभी मैं जो है यूट्यूब की टिप्स देने लग जाती थी, उसके बाद मैं ऑनलाइन अर्निंग बताने लग जाती थी। तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है किसी एक ऑडियंस, किसी एक प्रॉपर ऑडियंस की तरफ ध्यान दीजिए जिसके लिए आप अपनी वीडियोस को बना रहे हैं, और उसी को लेकर चलिए। जैसे अगर आप ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट्स बताते हैं तो उसी को लेकर चलते रहिए आगे तक, उसको बदलिए मत, ठीक है ना। यानी कि अपना जो है टॉपिक्स भी क्लियर होने चाहिए कि आपको किस तरीके की वीडियो बनानी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है कि अपनी वीडियोस में कभी भी बहुत ज़्यादा वो बनने की कोशिश ना करें, कि कुछ अलग दिखाने की कोशिश ना करें। बहुत सारे क्रिएटर्स मैंने देखे हैं कुछ अलग ही बनने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा यूनिक हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ। ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं आप वैसे ही कैमरा के सामने आइए। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे लोग बोलते हैं कि अपना भैनजी वाला लुक चेंज करो, ये है वो है, लेकिन मैं कभी भी किसी की सुनती नहीं हूँ, मैं उनको इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं आपको वैसा ही दिखाना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे रहती हूँ रियल में और यहाँ पे मैं बिल्कुल मेकअप करके तैयार होकर आ रही हूँ, ऐसा ठीक नहीं लगता है, ठीक है ना। तो हमेशा रियल रहने की कोशिश करिए ताकि आपके लोगों को आपकी रियल पर्सनैलिटी दिखाई दे कि आप क्या हैं क्या नहीं है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद है कि शुरुआत में हमेशा एकदम क्लीन काम करिए, बिल्कुल साफ सुथरा काम करिए। कोई भी ऐसा काम मत करिए कि आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए या आपको कोई रिपोर्ट कर दे। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि दूसरों की वीडियो चुरा कर डाल दे रहे हैं या जो है कुछ गलत काम कर रहे हैं, हैकिंग वगैरह सिखा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें मत करिए। हमेशा बिल्कुल क्लीन काम करिए, अपना कंटेंट आइए अपने सामने कैमरा के सामने और आकर बोलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। कभी भी दूसरों का कंटेंट मत चुराइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है और एक तरीके से आपको चेतावनी भी है, क्योंकि अगर आप चुरा लेंगे तो आपका ही चैनल को नुकसान होगा। नया चैनल पे अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, चैनल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ गलत काम ना करें कि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए। म्यूजिक वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है अपनी वीडियो में लगाने की। अपना आइए, बोलिए और चले जाइए, ये करना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, मैं और कुछ आपको टिप्स बता देती हूँ जो कि मैंने लिख के रखे हुए हैं। अब वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको हाँ डीमोटिवेशन कभी भी अपने मन में नहीं लाना है कि हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, किसी के भी नहीं आते। वीडियोस बनाते रहिए धीरे धीरे, जब चैनल पुराना होता होगा कम से कम 6 महीने लगातार काम करिए, 6 महीने में आपके जो है सब्सक्राइबर आने लगेंगे। मैं देखती हूँ लोगों के कमेंट आते हैं 30 वीडियो डाल दी, 200 वीडियो डाल दी, नहीं भाई, काम करते रहो जब तक सब्सक्राइबर नहीं आते, करते रहो। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को हर एक सब्सक्राइबर अगर लेना है तो मेरे को 1000 वीडियो डालनी पड़ेगी तो मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टाइम के साथ साथ सब्सक्राइबर आते गए। तो ऐसा जो है आपको नहीं करना है कि आप बेचैन हो जाए, डीमोटिवेट हो जाए कि हमारे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अगला टिप आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप जो है शुरुआत में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाइए। कुछ लोग जो है अपने बारे में आगे बताने लगते हैं अपनी वीडियोस में शुरुआत में ही, कि ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरे नदी है, ऐसा आपको नहीं करना है। शुरुआत में देखिए कोई भी आपके बारे में नहीं जानना चाहता है, लोग उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं जो लोग ज़्यादा फेमस है। जैसे अगर कैरी मिनाटी आके बता रहे हैं कि ये मेरा घर है तो डेफिनेटली सब लोग उसको देखना चाहेंगे, लेकिन अगर मैं आके बता दूं कि ये मेरा घर है तो कोई भी नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि मैं अभी उतनी फेमस नहीं हूँ, है ना। तो इसके लिए आपको वही करना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनानी है, कुछ ऐसा बताना है कि लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिले ताकि लोग आपकी वीडियो देखें। अपनी पर्सनल जानकारी आपको नहीं देनी है कि ये मेरा घर है, ये मेरा बगीचा है, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि शुरुआत में आपको डेफिनेटली कोई भी नहीं जानना चाहता है कि आप कौन है क्या है। लेकिन यही आज जब आप लोग बड़े क्रिएटर बन जाते हैं तो आपकी ऐसी वीडियोज़ पे बहुत व्यूज़ आने लगते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा ये इतना बड़ा क्रिएटर है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, है ना, क्योंकि तब आपकी फैन फॉलोइंग हो जाती है। तो ये एक चीज़ होती है। उसके बाद है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही, इससे थोड़ा सा जो है दूर रहिए। कभी भी ये मत करिए हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टाइमिंग का ध्यान रखना है, टाइमिंग के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना दी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा शोर हो रहा है मेरे घर के बगल में। मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे जो है बगल वाला घर बन रहा है, और सुबह से इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, अभी भी मतलब इतनी ज़्यादा ठक ठक पट पट हो रही है इनके यहाँ पे, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं सोच रही थी सुबह से थोड़ा सा टाइम मिल जाए वीडियो बना लूँ, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और पता है इनके यहाँ रात को आधी रात को भी काम चलता रहता है, 2 बजे 3 बजे हमेशा इनके यहाँ काम चलता है, अभी भी काम ही चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ आपको आई होगी वीडियो में, तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा इनके यहाँ शोर है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।